फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आर जवन 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आया हूँ मेरी डीवाई फैमिली के लिए करंट पल्स रेडियो, यानी कि ताजा तरीन खबरें जो आपके पास मैं लेकर आता हूँ, चाहे वो विदेश की खबरें हों, भारत की खबरें हों, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, खेल के क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, सारी की सारी खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूँ जल्दी ही। और आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के पास खेल की खबरें। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा के बाद कई जानकार हैरान हो रहे हैं। अब देखना है कि T20 विश्व कप से पहले रोहित और विराट को लेकर किस तरह के अहम संकेत मिले हैं। ये सारी की सारी खबरें और न्यूज मैं आप लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से लेकर आता हूं, और इंटरनेट पर और भी कई जगहों से हम लोग उन खबरों को आप लोगों के पास लेकर आते हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ाता हूं आज का सिलसिला। तकरीबन एक साल बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20 में टीम में वापसी का मतलब है कि अगले T20 विश्व कप में BCCI के चयनकर्ता अनुभव को तरजीह देना चाह रहे हैं। जून में वेस्टइंडीज और USA में होने वाले ICC विश्व कप के पहले ये अंतिम T20 सीरीज है। बताया जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर खासतौर पर केपटाउन गए थे। वरिष्ठ खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से सलाह करने के बाद ये फैसला लिया गया है। रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पांडे और सूर्य कुमार यादव घायल हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। सूर्य कुमार को जोहान्सबर्ग में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान टखने में चोट लग गई थी। हाल ही में उनके टखने की सर्जरी हुई है और उम्मीद है कि वो कुछ महीनों में ट्रेनिंग पर लौट आएंगे। वहीं हार्दिक नवंबर में वनडे विश्व कप के दौरान पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच के दौरान चोटिल हो गए थे, उसके बाद वो वापसी नहीं कर पाए हैं। हार्दिक और सूर्य कुमार दोनों के मार्च में IPL से वापसी की उम्मीद है। क्या विश्व कप में मिलेगी एंट्री? ऐसे में रोहित शर्मा की T20 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने की संभावना काफी बढ़ गई है। विश्व कप में कप्तानी के लिए महत्वाकांक्षी हार्दिक पांड्या को अभी इंतजार करना पड़ेगा। वैसे IPL के लिए पांड्या को हाल ही में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 15 सदस्य टीम में KL राहुल के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि अभी वनडे और टेस्ट दोनों में वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। KL राहुल ने साउथ अफ्रीका के सफल दौरे के बाद T20 में वापसी का इरादा व्यक्त किया था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने टेस्ट शतक लगाया और वनडे टीम को अपनी कप्तानी में सीरीज जीत दिलाई। KL राहुल की तरह नवंबर 2022 में T20 विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में हार के बाद से रोहित और कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच नहीं खेला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2023 यानी कि 2023 में वनडे विश्व कप से पहले टेस्ट क्रिकेट और वनडे को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। हाल ही में दोनों ने T20 विश्व कप में खेलने की इच्छा जताई थी। 2022 T20 विश्व कप के बाद से ज्यादातर मैचों में हार्दिक पांड्या ने भारत की कप्तानी की है। उनके चोटिल होने के बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए गए थे। सूर्य कुमार यादव कहाँ हैं? सूर्य कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर 5 मैचों की T20 सीरीज और दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका में 3 T20 मैचों में भारत का नेतृत्व किया, लेकिन साउथ अफ्रीका में टखने की चोट के कारण वो भी टीम से बाहर हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन टीम में शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर थकावट महसूस करने के बाद ईशान खुद को रीबूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। ईशान साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से भी हट गए थे। ईशान किशन की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन को T20 टीम में वापसी का मौका मिला है। पिछले साल अगस्त में उन्होंने आखिरी बार T20 मैच खेला था। IPL में दमदार प्रदर्शन के बावजूद सैमसन अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में निरंतरता हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। सैमसन ने 24 मैचों में 19.68 की औसत से 374 रन बनाए हैं। अगस्त 2023 में सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 और आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैच खेले, लेकिन वो 5 पारियों में सिर्फ 73 रन ही बना सके थे। मगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्ल में खेले गए निर्णायक वनडे में शतक बनाने के बाद चयनकर्ता उनकी अनदेखी नहीं कर पाए। सैमसन ने 108 रन की शानदार पारी खेली और भारत को 78 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ICC की प्रतियोगिताओं में संजू को मौका नहीं मिला है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मिले मौके का केरल स्टार फायदा उठाएंगे। संजू सैमसन के अलावा टीम में दूसरे विकेटकीपर हैं जीतेश शर्मा, जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों के खिलाफ T20 सीरीज में टीम का हिस्सा थे। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दमदार प्रदर्शन का इनाम मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे को मिला है। शिवम ने IPL के 12 मैचों में 157 के स्ट्राइक रेट से 363 रन बनाए थे। शिवम दुबे ने बीच के ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की थी, खासकर स्पिनर के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।
उनके 30 में से 19 छक्के स्पिनर के खिलाफ आए। दुबे ने इसका श्रेय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया था। दुबे उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने पिछले साल अक्टूबर में हांगचू में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में और निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के लिए कुछ उपयोगी कैरियर पारियां भी उन्होंने खेली हैं। हालांकि गेंदबाजी में वो कोई कमाल नहीं कर पाए। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर आगामी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। सिराज और बुमराह ने केप टाउन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इनकी गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे अर्शदीप सिंह, अवेश खान और मुकेश कुमार। स्पिनर्स में कौन? वहीं स्पिनरों में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई हैं। शुजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार को फिर से मौका नहीं दिया गया है। तो क्या मान लिया जाए इन दो खिलाड़ियों का T20 करियर खत्म हो चुका है? 2021 तक चहल लगातार भारत की T20 में शामिल रहे हैं और एक विश्वसनीय स्पिन गेंदबाज के रूप में अपनी प्रभावशाली पहचान उन्होंने बनाई है। खेल के अहम चरणों में विकेट चटकाए, अब तक चहल T20 में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, मगर चहल को पिछले एक साल से टीम में नहीं चुना गया। रवि बिश्नोई की T20 में लगातार कामयाबी चहल के लिए दरवाजे बंद कर रही है। बिश्नोई निश्चित रूप से T20 विश्व कप में खेलेंगे और चहल का बाहर होना तय है। दीपक चाहर को दक्षिण अफ्रीका के 7 T20 सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्हें वापस जाना पड़ा। इस बार उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा भी टीम में नहीं है, जबकि जडेजा साउथ अफ्रीका के 7 T20 सीरीज में टीम के उपकप्तान थे। गर्दन में अकड़न के कारण जडेजा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। माना जा रहा है कि चयनकर्ता विश्व कप के लिए श्रेयस अय्यर के नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं। तेजी से उभरते हुए फिनिशर रिंकू सिंह को टीम में बरकरार रखा है। भारतीय और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में होगा, फिर दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। बेंगलोर का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम T20 सीरीज के अंतिम मैच की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ ही ये T20 की टीम को लेकर आप लोगों के पास खबरें। बात लेकर आता हूं अब मैं फिलहाल के साउथ अफ्रीका दौरे की। भारत ने केपटाउन में साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में गुरुवार को महज 1.5 दिन में 7 विकेट से हरा दिया। इस टेस्ट मैच में महज 642 गेंदों का खेल हुआ था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे छोटा मैच था जिसमें भारत विजेता बना। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने मैच के पहले दिन 55 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। एडिन मार्करम के 106 रन की बेहतरीन पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में भी 176 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गया। इस जीत के साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी के साथ ही खत्म हुई। दूसरे सबसे छोटे टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका शामिल रहा है। 1932 में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में साउथ अफ्रीका को महज 656 गेंद के खेल में हराया था। दक्षिण अफ्रीका की कमर दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दी थी। 13.5 ओवर में 61 रन देकर 6 विकेट लिए थे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मोर्चा मार्करम ने संभाला था और उन्होंने 99 गेंदों पर शानदार शतकीय पारी खेली। मार्करम का यह 7वां टेस्ट था। भारत ने लंच के बाद दक्षिण अफ्रीका के 80 रन के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया था। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत T20 स्टाइल में की थी और उन्होंने 23 गेंद में 28 रन मारे थे। इन 28 रनों में यशस्वी ने 6 चौके लगाए। भारत ने 12 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया था। मैच के बाद रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पिच को लेकर उनकी नाराजगी साफ दिखी। रोहित शर्मा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह की पिच पर खिलाया गया इससे उन्हें और टीम इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में जब मैच होता है तो किसी को भी पिच पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। पिछले साल इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 3रा टेस्ट मैच खेला गया था, तब इंदौर की पिच की ICC ने खराब रेटिंग दी थी। यहां तक कि पिछले साल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ तो पिच को लेकर सवाल उठे और इसे औसत पिच कहा गया था। रोहित शर्मा को ये सारे वाक्य याद थे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका की पिच को लेकर अपना तेवर स्पष्ट कर दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि हम सबने देखा कि इस मैच में क्या हुआ है, पिच पर किस तरह का खेल हुआ सबने देखा, मुझे ऐसी पिचों पर खेलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत में जो पिचों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं उन्हें मुंह बंद रखना होगा। रोहित शर्मा ने कहा आप यहाँ चुनौती स्वीकार करते हैं, हाँ यह आसान नहीं है, मुश्किल चुनौती होती है, लेकिन जब लोग भारत में आते हैं तो उन्हें भी ये चुनौती स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलने आते हैं तो ऐसी चुनौतियां होती हैं, मुझे लगता है कि यह अहम है कि हमें अपने रुख को लेकर एक तरह होना चाहिए। रोहित शर्मा बोले कि निष्पक्ष रहना होगा। अतीत में सुनील गावस्कर समेत भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी भारत की पिचों पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते रहे हैं।
भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत रही है कि विदेशों में जब ऐसी पिचें बनती हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का गाबा में मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में ही 6 विकेट से हरा दिया था। डीन एल्गार ने इस पिच की आलोचना की थी और आईसीसी ने इस पिच की खराब रेटिंग दी थी। रोहित शर्मा ने कहा ऐसी स्थिति में चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इंडिया में भी ऐसा होता है लेकिन इंडिया में जैसे ही पिच टर्न लेने लगती है तो पहले दिन से ही लोग धूल की बात करने लगते हैं। यहाँ की पिच में ज्यादा दरारें थी लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। रोहित शर्मा ने कहा यह जरूरी है कि हम जहां भी जाएं निष्पक्ष रहें, खासकर मैच रेफरी को निष्पक्ष रहने की जरूरत है। इन मैचों के रेफरियों को ध्यान रखना चाहिए कि पिच की रेटिंग किस आधार पर करवाते हैं, ये काफी अहम है। मैं भी भरोसा नहीं कर पाता हूं कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कैसी पिच की खराब रेटिंग औसत से भी नीचे दी गई थी। इसी मैच में एक बल्लेबाज ने शतक मारा था। ऐसे में आप इस पिच को खराब कैसे कह सकते हैं? आईसीसी और मैच के रेफरी जब पिचों की रेटिंग करते हैं तो उन्हें निष्पक्ष होकर फैसला करना चाहिए। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आंख और कान खुले रखेंगे और सभी पक्षों को देखेंगे। ईमानदारी से कहिए तो हम ऐसी पिचों पर खेलने की चुनौती स्वीकार करते हैं। हम ऐसी पिचों पर खेलने का गर्व है लेकिन सबको इस मामले में चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी स्टार स्पोर्ट्स से केपटाउन की पिच को खतरनाक बताया। इस पिच पर मैच के पहले ही दिन 23 विकेट गिर गए थे। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के पहले ही दिन 25 विकेट गिरे थे। क्या ये खराब पिच थी या खराब बल्लेबाजी हुई? रवि शास्त्री का कहना है कि मैच रेफरी इसकी समीक्षा कर रहे होंगे, पहले ही दिन 23 विकेट नहीं गिर सकते। संभवतः ये खतरनाक पिच थी। चांद पोलॉक ने भी कहा कि इस पिच की अच्छी रेटिंग नहीं मिल सकती है। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भी केपटाउन टेस्ट मात्र 107 ओवर में खत्म होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सहवाग ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि आप करो तो चमत्कार और हम करें तो पिच बेकार, 107 ओवर में टेस्ट खत्म। इस पोस्ट में सहवाग ने जसप्रीत बुमराह और सिराज की तारीफ करते हुए कहा कि इस टेस्ट साबित करता है कि भारत की तेज गेंदबाजी बेहद घातक है। बुमराह और सिराज का खेल शानदार था। 2024 की ये बेहतरीन शुरुआत थी। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास गंदपल्स रेडियो में 99.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।